इस्लाम का परचम पांव में उनके छाले थे, एक बार दोनों हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे काम नहीं चलेगा, सब लोग हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए अपने, ताकि आने वाले शायर का इस्तकबाल हो कि हाथों में इस्लाम का परचम पांव में उनके छाले थे, अल्लाह के महबूब के दिल पर उम्मत में रखवाले थे, और परमात्मा मुसलमान हश में रोकर बोले थे। आलमी मंजरनामे पर क्या हो रहा है, इन चार नारे में मुलायदा फरमाए कि बर्मा के मजलूम मुसलमान हश में रोकर बोले थे, 56 मुल्क की फौज से बेहतर 313 वाले थे, 56 मुल्क की फौज से बेहतर 313 वाले थे। मैं इस तक काल कर रहा हूँ जनाबे हाफिज तारिक अनवर सीतापुरी से कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से लगा। अरे सीमा है कहाँ सब? मोहसिन हाजरी टाइम के जलवा फरमा शोर है किराम सतगुरु मकाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों इस मुशायरे में मैं दूसरी बार हाजिर आया, मेरे बड़े भाई हैं मोहतरम जनाब अखलाक फैजी साहब, बहुत ही अच्छा आप सुन रहे हैं, थोड़ी सी गुजारिश है माइक वाले भाई से इसको सही कर दें, इसमें आवाज बढ़ा दें, थोड़ा सा इको को दे दें। हेलो 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 आओ जाइए नहीं बढ़ा आवाज आइए मैं यहाँ पर चार भाई हाजिर करता हूँ, उनको सवाल फरमाए। वहाँ जो है टाइम टूट गया, अल्लाह का करम था जो सारे लोग बच गए किसी को चोट नहीं लगी। बहरहाल बयान से नाते पाक का मतलब हाजिर नहीं, आपके खुशी तो अच्छे समान फरमाए। अतः कैसे आप लोग एक मतबल कर दीजिए सुभान अल्लाह। कैसे Oh,
Yeah.
ਤਾਰੇ ਕਰਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰੀ